नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। छत्तीसगढ़ में 59 वर्ष के वनवासी आदिवासी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को और ब्राह्मण समुदाय से आने वाले विजय शर्मा को वहां उप मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वो हर राज्य में सबको साथ लेकर के चलेंगे। सबके विकास का जो नारा है, सबके प्रयास का जो उनका नारा है, उसको सार्थक करेंगे। और बेहद अनुभवी 15 वर्ष तक वहां मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर उन्होंने बनाया है, तो बहुत सोच समझ करके ही बनाया होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, मध्य प्रदेश में एक पिछड़े को यानी यादव को, मोहन यादव को उन्होंने शिवराज चौहान की जगह मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। और मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी को वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो उनके साथ दलित समुदाय के जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री और ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मोहन यादव की उम्र है 58 साल और वहां स्पीकर किसको बनाया है? अपने पूर्व सहयोगी यानी पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को उन्होंने स्पीकर बनाने का फैसला किया है। अब आते हैं राजस्थान पर, जिसका सबको इंतजार था, सब देखना चाहते थे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह किसको लेकर के आ रहे हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग से यानी ओबीसी वर्ग से वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो राजस्थान में उन्होंने सवर्ण यानी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, भजन लाल शर्मा। और वहां पर भजन लाल शर्मा को यानी सवर्ण को, ब्राह्मण को अगर मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो उनके साथ राजपूत दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया है, जो जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। और एक दलित प्रेमचंद बैरवा को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब जरा यहां देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री की आयु क्या है? 56 वर्ष। दिया कुमारी की उम्र है 52 वर्ष और प्रेमचंद बैरवा की उम्र है 54 वर्ष। यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की आयु 59 वर्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आयु 58 वर्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री की आयु 56 वर्ष। अपेक्षाकृत तीनों राज्यों को नौजवान चेहरे दिए गए हैं, ऊर्जावान चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, नई संभावनाओं के साथ, नए जातीय समीकरणों के साथ उन्होंने तीनों चेहरों का चयन किया है, तीनों मुख्यमंत्रियों का चयन किया है। और उनके साथ जो तीनों ही राज्यों में दो दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो भी ये शो करता है कि जातीय संतुलन साध करके 2024 का एक तरीके से उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है? जो उनके परंपरागत चेहरे हैं, यानी छत्तीसगढ़ में जो 15 साल के अनुभवी मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह,
उनको चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, या जो 17-18 साल ऑलरेडी मुख्यमंत्री बनके बहुत ही अनुभव ले चुके हैं शिवराज चौहान, और जो लोकप्रिय भी हैं, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, या राजस्थान में जो दो बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं वसुंधरा राजे, इस बार उनको किनारे क्यों कर दिया गया, और वहां बिल्कुल फ्रेश पहली बार के एमएलए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में उस ढर्रे पर चेहरों का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्रियों का चुनाव नहीं होता है, जैसा अन्य वंशवादी पार्टियों में होता है या राजनीतिक दलों में होता है। अब हरियाणा में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो या तो भजन लाल के परिवार से बनेगा, या बंसीलाल के परिवार से, या भजन या आपके भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से, या देवीलाल के परिवार से कोई बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 2014 में संघ की पृष्ठभूमि वाले और करनाल से पहली बार एमएलए चुने जाने वाले पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बना करके सबको चौंका दिया था, सबको चौंकाया था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जब चयन किया गया था तो बहुत से लोगों की भवें चढ़ गई थी, उनको लगा था कि एक भगवा वस्त्रधारी क्या इतना बड़ा प्रदेश चलाएगा, और किस तरह के हल्ले काटे गए थे उस समय, मीडिया में भी सवाल खड़े किए गए थे, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो कॉलमिस्ट थे और जो स्वनाम धन्य संपादक चीफ एडिटर, उनके जो लेख थे उस समय संपादकीय थे अलग अलग समाचार पत्रों के, उनमें भी तरह तरह के सवाल खड़े किए गए थे, अब तो सांप्रदायिकता फैलेगी, अब तो मुस्लिमों का और अल्पसंख्यकों का जो है वो जीवन दुभर हो जाएगा, तरह तरह से उनको सताया जाएगा। और एक जमाना था जब बड़ी आसानी से कह दिया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो फिर अल्पसंख्यकों पर कहर टूटेगा, देश कमजोर होगा, बट जाएगा, इस तरह की बातें की जाती थी। क्या हुआ, अटल जी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ, कभी किसी को सताया नहीं गया। नरेंद्र मोदी पिछले 9.5 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले 13.5 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। गुजरात में भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं और इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देश में जो भी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, जो भी कल्याण योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, कहीं कोई बड़ा दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो वो सब तो इनकी हवा निकल चुकी जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में और भाजपा नेतृत्व के बारे में तमाम तरह की चीजें फैला रखी थी। अब तो सबकी समझ में आता है कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। फिर ये जातीय कार्ड खेल रहे थे, लोकसभा चुनाव से 6-8 महीने पहले से अगर कांग्रेस पार्टी, जो हमेशा पिछड़ों की अनदेखी करती रही, जो या तो मुसलमानों की राजनीति करती रही, दलितों की, ब्राह्मणों की राजनीति करती रही, वो अचानक से जातीय जनगणना की मांग शुरू करने लगी, खड़ी करने लगी। मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी, 2 महिलाओं को निवस्त्र करके उनके साथ रेप की घटना हुई थी, उसका कोई वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो को 70 दिन तक इन्होंने दबाए रखा,
जब तक के अगला संसद सत्र ना आ जाए, और संसद सत्र से ठीक एक दिन पहले उस वीडियो को जारी करके पार्लियामेंट सेशन को बर्बाद करके रख दिया। और उसका ध्येय क्या था, मकसद क्या था दबाए रखने का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला विरोधी सिद्ध करने की कोशिश की जाए। आप एक बात हमेशा नोट करके रखिए कि जब जब प्रधानमंत्री पर इस तरह के अटैक किए जाते हैं, वो उसे अवसर की तरह लेते हैं। उस घटना के बाद आपको ध्यान होगा, जब वो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से भाग लेकर के लौटे, तो सीधे चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय देने के लिए, उनकी शाबाशी देने के लिए इसरो के केंद्र पहुंचे। वहां महिला वैज्ञानिकों से अलग से उन्होंने बातचीत की, एक माहौल बनाया। इसके बाद पार्लियामेंट से, नई पार्लियामेंट के पहले स्पेशल सेशन के जरिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल पारित करा करके इस देश की महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, उपहार दिया। और कांग्रेस और जो महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रहे थे, जिन्होंने उससे पहला संसद सत्र पूरा चौपट कर दिया था मणिपुर की दो महिलाओं को लेकर के, वो बैकफुट पर चली गई। अभी जो ये जातीय कार्ड खेलने की कोशिश राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, इंडी अलायंस के घटक दल कर रहे थे, उसको भी पंचर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक तो तीन राज्यों में, हिंदी बेल्ट के तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस हारी। ठीक है, तेलंगाना में उसने बीआरएस को हराया और वहां उसकी सरकार बनी, लेकिन हिंदी बेल्ट के राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार थी। 5 साल सरकार चलाने के बाद ये फिर से दोनों प्रदेशों की जनता का विश्वास अर्जित करके पुनः सरकार बनाने में नाकाम रही, और भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों स्टेट कांग्रेस से छीन लिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां वो रिपीट हुई, और केवल रिपीट नहीं हुई बल्कि 2/3 बहुमत हासिल करके फिर से सत्ता में आई। चूंकि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमने 2018 में भी देखा था। हालांकि वैसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ नहीं था जैसा अशोक गहलोत के खिलाफ देखा गया है। तब कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को फिर भी 73 सीटें मिल गई थी, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिल गई और कांग्रेस 66-69 के बीच में कहीं अटकी हुई रही। तो इस बार ज्यादा उनके खिलाफ, यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, और वही छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ देखने को मिला, जिसमें मीडिया भी, ओपिनियन पोल भी, एग्जिट पोल भी सब कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई और अब वहां के मुख्यमंत्री भी तय हो गए, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री तय हो गए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने पूरा माथापच्ची करके, सोच समझ करके, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और स्पीकर तय किए हैं इन प्रदेशों के, वो ये बताता है कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उनका जो ढर्रा है काम करने का, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो सोचने समझने का और फैसले लेने का और सबको साधने का जो एक मैकेनिज्म है, जो सोशल इंजीनियरिंग का इनका फलसफा है, वो बाकी राजनीतिक दलों के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। नरेंद्र मोदी एक लोकप्रियता के शिखर पर हैं,
जो वैश्विक अभी ग्लोबल रेटिंग आई है, अप्रूवल रेटिंग आई है, उसमें भी वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुख हैं 76% लेकर के। दूसरे नंबर पर मैक्सिको, छठे नंबर पर इटली की प्रधानमंत्री, और अमेरिका के राष्ट्रपति तो 8वें नंबर पर हैं। देश के भीतर भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में उन्हीं के चेहरे पर ये विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और जीता गया, उससे भी साफ है कि 2024 में उनकी वापसी में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है। इसके बावजूद वो जिस तरीके से हर स्टेट में नेतृत्व तय करते समय जातीय समीकरणों को भी साधते हैं, ये शो करता है कि वो 2024 ही नहीं उसके आगे की सोच करके नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। विष्णुदेव जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी आयु केवल 59 वर्ष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उम्र 58 वर्ष। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं भजन लाल शर्मा, वो 56 साल के हैं। यानी वो अभी लंबी सेवाएं देंगे, लंबा नेतृत्व करेंगे। और इससे एक और मैसेज वो संगठन और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भेजते हैं जो कांग्रेस समेत अन्य दल भेजने में नाकाम है पूरी तरीके से। वो साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देते हैं कि अगर एक अननोन से, जिनका मीडिया में जिक्र भी नहीं चल रहा था, ऐसे विष्णुदेव साय अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मोहन यादव जिनका कोई चर्चा ही नहीं था मीडिया में, वो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, और भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायक चुने गए हैं और जिनका कहीं कोई चर्चा ही नहीं था, वो राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो आप भी अगर निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, अनुशासन के साथ पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो एक दिन आप भी चीफ मिनिस्टर या इस देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।